बात मामू जी ने सियाई फेंके उन तया करना चाहवा अगर तुम हरियाणा में नहीं तो हम नोट तक खींच लिया हमारे जुगुर मारा आए कहां से वहां पे कोई पुलिस सुरक्षा नहीं देगी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को काला तेल है भाई सीधा ही साफ है तेल काले ही फेंकी गई है देखो कल टका जी पे बंगलोर में उसके ऊपर स्याही फेंकी गई है मामी इसकी घोर निंदा करा हाँ और सबसे बड़ी बात मामू जी ने स्याही फेंकी उन तया कहना चाहवा अगर तुम हरियाणा में नहीं तो हम नोट तय खींच लिया हमारा जुगर मारा टकायत पर इतना बड़ा उन्हें वो कराया नहीं क्योंकि वो हमारा किसान नेता है और मामा हमारा किसान नेता पर अगर कुछ गलत हो तो बख्शा नहीं जाओगा और भाई जो तू ओड़े बैठा नहीं ओढ़ते खींच लियावे मैम जब हमारे भीतर में आग है नहीं और तो ओढ़ते खींच लियाँगा मैम डीसी साहब आ गए और एसडीएम साहब ज्ञापन सौंपया है या तो हमारी आवाज़ उठाई जा अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाई तो हम पूरे किसान यूनियन के सारे बंगलोर जावेंगे उस भाई जिसने हमारे ऊपर टकैत साहब को स्याही फेंकी है उसने को ऊपर कड़ी एक्शन लेवांगे मुद्दा देखो वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी युद्धवीर जी भी थे और टकैत जी भी थे कोई वहाँ पे मीटिंग के अंदर कुछ ऐसी बात हुई वहीं का कोई जो आम आदमी था उसने टकैत जी को ऊपर स्याही फेंकी है सरकार की चाल बिल्कुल है भाई जो बेंगलोर में मीटिंग थी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे राकेश टिकैत जी हैं उनकी अपनी संगठन की कार्यकारिणी चल रही थी उसकी कार्यकारिणी बनाने के लिए गए थे मीटिंग चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और अचानक तय एक बंदा आवा है कि भाई बीजेपी सरकार के नारे लगाता आवा है और ऊपर तय माइक के साथ भी हमला किया है राकेश टिकैत जी पर और ऊपर से फिर दूसरा बंदा उसने स्याही वगैरह भी फेंक किया है तो उसके साथ वहाँ पर हाथापाई भी हुई है लेकिन अभी तक हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत उनको भी पता नहीं है कि भी आखिर ये बंदे आए तो आए कहाँ से वहाँ पे कोई पुलिस सुरक्षा नहीं देगी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता को मैं कहूँगी कि पुलिस सुरक्षा होनी चाहिए थी क्योंकि बगैर पुलिस की सुरक्षा में देखो एक किसान नेता पे जिसने मैं कहूँगी कि हरियाणा की जिसने पूरे किसान आंदोलन में हरियाणा जब एकजुट हुआ था ना तो उसमें मैं नाथ राकेश टिकैत जी का था तो ये मत समझना है बीजेपी सरकार के भी ये राकेश टिकैत जी के साथ सिर्फ यूपी है पूरा भारत की जनता राकेश टिकैत जी के साथ है अगर ऐसी बर्बरता हुई अगर जो ये तानाशाही मैं कहूँगी कि एक निचतापूर्ण काम किया गया है राकेश टिकैत जी के साथ है इसकी हम गौर निंदा करते हैं और इसी के लिए आज हम ज्ञापन देने आए हैं प्रधानमंत्री के नाम कि भी जो भी ये गुंडे थे शरारती तत्व थे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वरना फिर ये किसान यूनियन इकट्ठा होकर के इस पर एक्शन लेगी और फिर कड़ी कार्रवाई करेगी जी ज्ञापन पहले दिए हमने किसानों की समस्याओं के चाहे वो बिजली को लेकर हो चाहे वो फसल मुआवजे को लेकर हो लेकिन आज जो ज्ञापन दिया है वो सरासर जो गुंडाई की गई हमारे नेताओं के साथ जो गुंडागर्दी की गई ना आज उस गुंडागर्दी को लेकर के किया गया और इसमें सरासरी सरकार का हाथ है क्योंकि जो बंदे बीजेपी सरकार के जिंदाबाद के नारे लगाते आते हैं और ऊपर से स्याही फैक्ट्री में माइक उठा करके हमला भी करते जानलेवा हमला भी किया उन्होंने राकेश टिकैत जी पर तो इसकी हम गौर निंदा करते हैं और इसकी कड़ी कार्रवाई की हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से। पुलिस सुरक्षा तो देनी चाहिए ना जहाँ पर अपनी कार्यकारिणी बना रहे हैं संगठन बना रहे हैं वहाँ पर पुलिस सुरक्षा का तो पुलिस का तो अपना कर्तव्य है कि भाई नेताओं की सुरक्षा करें पुलिस का यही कर्तव्य है कि भाई गुंडों से सुरक्षा करें कहीं ना कहीं एक नेता को साइड में हटा करके आम नागरिक तो हैं वो भी देश के आम नागरिक तो हैं तो क्या उनका सुरक्षा करने का फर्ज नहीं बनता पुलिस को सुरक्षा करनी चाहिए और हालांकि हमने पता होता तो हमें सुरक्षा लेकर भी जाते नेता की लेकिन पता ही नहीं था ना कहाँ से वो शरारती तत्व तो घुस के आए और कहाँ से उन्होंने वार किया ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा कह कि वे सरकार के बंदे हैं आज का सुरक्षा के लिए डिमांड रखी है सुरक्षा के लिए डिमांड नहीं रखी है आज डिमांड रखी है कि जिन्होंने ये गुंडागर्दी किया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन शख्स को सामने ले आ जाना चाहिए वो किस पार्टी के हैं या फिर किस गैंग के वे बंदे हैं जी जेड प्लस सुरक्षा की भी मांग मैडम एक और बात है जैसे जो राकेश टिकैत जी तो एक किसान नेता पूरे भारत के नेता है क्या आप जो आम आदमी इसमें सुरक्षित है उसको देखते हुए आम आदमी कहाँ सुरक्षित है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं रोज बेटियां तो मर रही हैं बेटियों के बलात्कार तो हो रहे हैं तो आम नागरिक कहाँ सुरक्षित है कोई सुरक्षित नहीं है इस देश में अगर हम सुरक्षा की बात देखें ना तो कोई सुरक्षित नहीं है बहू बेटी भी सुरक्षित नहीं है जिसके ये बड़े बड़े नारे दे हुए हैं नेताओं की तो सुरक्षा की बहुत दूर की बात है तो रही बात नेताओं की सुरक्षा की है तो अब कल ना आपने देख भी लिया होगा लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वीडियो किस प्रकार का हमला कराया गया और किस प्रकार से स्याही फेंकी गई है जी।
सरकार तो कह रही है हमने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ में सुरक्षा लेकिन हमें बहुत करी है, लेकिन आप तो इसको मना कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बलात्कार और सबसे ज़्यादा बेटियां जो मरी है ना वो इस सरकार में मरी है, ये मैं बताना चाहती हूँ। और हर एक वर्ग आपने देखा भी होगा, डेढ़ साल के दौरान किसान आंदोलन भी चले और हर एक वर्ग रोड पर बैठे, चाहे आंगनबाड़ी वालियों की बात कर लो, चाहे फिर युवाओं की बात कर लो या फिर लड़कियों की बात करो शिक्षा को लेकर के। टोहाना में आपने देखा होगा लड़कियों भी शिक्षा को लेकर के बैठी हैं और खेतड़ गांव में गौशाला बचाने का आंदोलन चल रहा है। मतलब हर एक वर्ग रोड पर है। इस हरियाणा की सरकार से मैं कहना चाहूँगी कई शर्म लिया तो डूब के मर जाओ। पूरे हरियाणा की जनता रोड पर बैठी है, प्रदर्शन कर रही है और ये अंदर एशिया में बैठे हैं और ऊपर तक किसान नेताओं पर भी आम पब्लिक पर भी लगातार हमले करवा रहे हैं अपने गुंडों से। जी क्या नाम है? प्रियंका खरकराम। जी मैडम, आज ज्ञापन दिया डीसी साहब को, भाई हम मोदी के नाम सीधा मोदी तक कहना चाहवा है जो हमारे किसानों के साथ ये गलत कर रहे हैं, जो इसने हिंदुस्तान में उग्रवाद फैला दिया सरेआम। एक हमारे वो राकेश डिकैत जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बैठे हैं और उसने ये नहीं पता तेरे लगे होना स्याही नहीं है, वो काला तेल है भाई, सीधा हिसाब है, तेल काली फेंकी गई है। और जो किसान नेता पे हमारा नेता पे के आम किसान पे कोई भी छोटा जमींदार पे जे कोई भी गलत करेगा उसने बख्शा नहीं गया। हम पूरे हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो गए, सरकार की टक्कर लेने ने तैयार है, बख्शा नहीं जाओगा। बड़ी तो मतलब हमारे देश की ये मतलब घोर निंदा की जाती है हमारे देश में। जब भी कोई मतलब उन्नति की तरफ बढ़ता है, समाज को जोड़ने की, समाज को उन्नति की तरफ ले जाता है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कलंक लगाया जाता है। जैसे हमारे राकेश टिकैत जी के साथ कल वहाँ प्रेस प्रवक्ता में थे, वो उनके ऊपर स्याही फेंकी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो मैं उसमें ये बताना चाहती हूँ कि जो वहाँ पर आए बीजेपी के नारे लगाते हुए तो उसे साफ स्पष्ट हो रहा है भाई वो बीजेपी के ही आदमी थे। तो मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ, एक साल तक रोडों पर बिठा कर आपने क्या लूट लिया था? आप दोबारा फिर वही गलती कर रहे हो, किसानों को फिर छेड़ रहे हो, फिर आप ना हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इससे अच्छा है आप वैसे ही समझ जाए, ये किसान पहले भी एक थे अब भी एक हैं। और हमारे यहाँ बोलते भी नेता जिसे हम नेता मानते हैं उसे भगवान के बराबर पूछते हैं, ठीक है, सब हमारे किसानों के लिए मतलब एक मसीहा के रूप में सामने आए हैं और उनके साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है। तो उनके लिए जो आज हमने ज्ञापन सौंपा प्रधानमंत्री के नाम, उसमें जेड प्लस सुरक्षा और जो वहाँ दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसके लिए हमने आज यहाँ ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है? कविता गोयल, सरपंच खरकड़ा।